तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के नोवल को। अब अगर आपने ट्रेलर एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये एपिसोड होने लगा काफी मजेदार, जिस वजह से वीडियो को पूरा देखना। पिछले एपिसोड में मैंने देखा था कि मिस फेंग गुस्से में आते हुए सोविन पे हमला कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ सोविन उसे समझाते हुए उसे वहाँ से भेज दिया था, क्योंकि अभी के समय दोनों ही इस पे पूरा एनर्जी नहीं खर्च करना चाहते थे। अब इस मैटर को खत्म कर लेने के बाद सोविन आगे की तरफ बढ़ गया था, लेकिन बीच में सोविन को टेन्यू नाम का एक लड़का मिलता है जो की सोविन पे विलेन से था। अब कुछ समय उससे भी बात करने के बाद टेन्यू वहाँ से चला गया। अब दूसरी तरफ सोविन वहाँ से रवाना होने ही वाला था, उस समय उसे एक लड़की की आवाज आ गई थी, इसलिए सोविन उस आवाज का पीछा करते हुए एक लड़की के पास आ चुका। जब वो उस लड़की को देखता है तो वो हैरान हो चुका था, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नालानियान थी। दूसरी तरफ नालानियान को 3 व्यक्ति परेशान कर रहे थे। तो अभी इसके आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम सोविन को देखते हैं जो की आगे की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, तुम लोग कैसे इंसान हो जो की एक लड़की को बोली कर रहे हो? तुम तीनों ने ग्राउंड स्प्रिंट गेट की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब जैसे सब सोविन के उनके कान में पड़ते हैं तो वो सभी गुस्से से लाल हो चुके थे। वो सभी गुस्से में आते हुए सोविन से कहते हैं, आखिर तुम हो कौन और इस ब्यूटी को क्यों बचाने चाहते हो? अगर तुम इस लड़की को छोड़कर यहाँ से चले जाओगे तो हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे, क्योंकि वो तीनों भी समझ चुके थे कि ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है। इसलिए वो तीनों सोविन को यहाँ से भेजना चाहते थे, जिस वजह से हम देखते हैं सोविन गुस्से में आ जाता है। वो अपने स्वॉर्ड को अपने हाथों में लेते हुए उन पे एक अटैक कर देता है, जिस कारण से हम देखते हैं उन तीनों को हवा में उड़ते हुए। अब उन तीनों का मैटर सोल्व करने के बाद सोविन नालानियान की तरफ आता है। अब जैसे नालानियान उसे देखती है तो हैरान हो जाती है। वो कहती है, सोविन, अभी के समय वो हैरान दिख रही थी क्योंकि सोविन ने अपने एक ही अटैक से उन तीनों को दूर भेज दिया था, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सोविन पे आ गया। सोविन नालानियान की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम्हें इस दुखी ने परेशान कर रखा है? ये कहते हुए सोविन नालानियान की हैंड को पकड़ लेता है, जिस वजह से हम देखते हैं नालानियान के ऊपर जो ब्लैक कलर की दुखी लिपटी हुई थी वो कुछ समय के अंदर वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। अब इस कारण से नालानियान जो की अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, इस वजह से वो शोक हो जाती है। अब दूसरी तरफ सोविन उसके शोक एक्सप्रेशन को नजरअंदाज करते हुए उससे कहता है, आखिर ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? अब सोविन कितना कहते एक झाड़ी से एक फॉक्स निकलते हुए नालानियान की तरफ आ जाती है। अब उस फॉक्स को देखते हुए नालानियान सोविन को बताती है कि ये इस फॉक्स की वजह से, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा हेवनली माउंटेड पुल पे पहुंचने के लिए काफी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद ही हम हेवनली माउंटेड पुल पे पहुंच सकते हैं। और उन्हीं में से एक भूल भुलैया जो की हेवनली माउंटेड पुल के आसपास नेचुरल तरीके से बना हुआ है, और इस कारण से जो भी साधारण व्यक्ति जिसे इसके बारे में जानकारी न हो वो इसी में फंसा रह सकता है जब तक ये ट्रायल पूरी तरह से खत्म न हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ इस फॉक्स पे उस भूल भुलैया को कोई भी असर नहीं पड़ता, जिस वजह से ये फॉक्स काफी आसानी से हमें वहाँ पर ले जा सकती है, और इस कारण से वो तीनों लोग भी हमारे पीछे पड़े हुए थे ताकि वो मुझसे इस फॉक्स को ले सके। अभी के समय ये दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे, उस समय हम देखते हैं एक अजीब से बंदे को जो कि पत्थर से जंप करते हुए सोविन के बीच में आ चुका था। वो क्लैंपिंग करते हुए सोविन से कहता है, तुम्हारा नाम सोविन है, जिसका थंडर पवेलियन से 36 का आंकड़ा चल रहा है। अब इन शब्दों को सुनते ही नालानियान और सोविन की नजरें उस लड़के पे पहुंच जाती है। वो लड़का काफी अगली दिख रहा था, जिस कारण से हम देखते हैं सोविन उससे कहता है, अब तुम कौन हो? क्या तुम भी इस फॉक्स के पीछे हो? अब यह सुनते ही वो लड़का उससे कहता है, नहीं, मुझे इस फॉक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे सेक्ट ने मुझे कुछ सीक्रेट चीजें दी है जिसकी मदद से मैं उस भूल भुलैया को काफी आसानी से पार कर सकता हूँ। ये फॉक्स तो मुझे एक फ्रेंड के लिए चाहिए था जिसने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि ये फॉक्स मैं उसे दूं, क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त था जिस वजह से मैं भी इसके लिए एग्री हूँ, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी यहाँ पर आओगे हेवनली माउंटेड पुल पर। फिर वो कुछ सोचते हुए सोविन से कहता है, मेरा और टेन्यू का कुछ समय पहले फाइट हुआ था, जिस फाइट के दौरान उसने मुझसे कहा था कि मेरा एक ओपोनेंट मेरे सामने आएगा बहुत जल्दी, और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो ओपोनेंट काफी पावरफुल होगा, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तुम ओपोनेंट होंगे। मैंने तुम्हारे कारनामे के बारे में काफी सुन रखा है और वैसे भी एक अफवाह फैल रही है कि तुम काफी पावरफुल हो, जिस वजह से मैं भी तुम्हारी पावर को चेक करना चाहता हूँ कि तुमने जितने भी अचीवमेंट हासिल किए वो स्प्रिट की वजह से या फिर तुम्हारी पावर की वजह से है। ये सब कहते हुए वो सोविन पे हमला करने के लिए तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ नालानियान सोविन की तरफ देखते हुए उससे कहती है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। अब जैसे नालानियान ये कहा ही था उस समय उस लड़के को हम देखते हैं जो की अपनी दुखी को एक्टिवेट करके सोविन पे हमला करने के लिए निकल चुका था। अब दूसरी तरफ सोविन जैसे इस बात को सेंस करता है तो उसने अपने हाथों को जेट फ्लेम से कवर करके उसके हैंड पे अटैक कर दिया। अब जैसे उन दोनों की अटैक एक दूसरे से टकराती है तो वहाँ पर एक शॉक वेव फैल जाती है। अब इस टकराव की वजह से सोविन को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो लड़का इस शॉक वेव से काफी पीछे धकेला जाता है। इसके साथ ही साथ उसके हैंड के अंदर काफी मात्रा में जेट फ्लेम जा चुकी थी, जिस वजह से उसके अंदर जो ब्लैक कलर की दुखी थी उसे भी जला रही होती है। अब इसका
सायरन्स से उस लड़के को अभी कसम में काफी पेन हो रहा था। उस लड़के ने ये नहीं सोचा था कि सवन के पास जेड फिल्म होगा, इस वजह से उसने सवन को काफी हल्के में ले लिया था। वो अपनी पूरी दुईकी के लगाकर जेड फिल्म को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिस वजह से हम देखते हैं सवन की जेड फिल्म बाहर आ चुका था, लेकिन इस कारण से उसे अपनी एनर्जी काफी लॉस करनी पड़ी थी। फिर वो हैरानी से देखते हुए सवन से कहता है, तो तुम्हारे पास एक हेवनली फिल्म है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे जैसे लड़के के पास हेवनली फिल्म देखने को मिलेगा। अब दूसरी तरफ सवन उसकी बातों को रिप्लाई ना देते हुए अपने शॉर्ट को अपनी स्टोरिंग में डाल देता है, जिसके बाद वो इमोशनलेस चेहरे के साथ वहाँ पर खड़ा हो चुका था। अभी के समय उस लड़के को तो काफी गुस्सा आ रहा था, इसके साथ ही साथ उसको सवन से काफी डर भी लग रहा था। सवन की ऐसी भयानक पावर को देख लेने के बाद उस लड़की को समझ में आ चुकी थी कि सवन चाहे तो उसे एक सेकंड में खत्म कर सकता है। सवन के सामने उसकी औकात कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी के समय उसकी छोटी सी जेड फिल्म ने उसकी इतनी हालत खराब कर दी, और अगर सवन अपनी जेड फिल्म का और भी मात्रा में इस्तेमाल करता तो वो जरूर जान से मारा जाता, और अगर ना भी मारा जाता तो उसके मेरिडियंस ब्रेक हो सकते थे, क्योंकि हेवनली फिल्म दुनिया की सबसे पावरफुल फिल्म होती है। इसीलिए वो लड़का समझ चुका था कि उसके लिए यही अच्छा हो, जल्द से जल्द वो यहाँ से निकल जाए। जिस बच्चे वो सवन की तरफ देखते हुए एक स्माइल से उससे कहता है, तो मैं आज की मैटर को यहीं पर खत्म करते हैं, वैसे भी मुझे इस बॉक्स की जरूरत नहीं है, जिस कारण से मैं यहाँ से चलता हूँ। मैं हेवनली मोमेंट पूल पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये कहते हुए वो पीछे कुछ स्टेप ले रहा था, जिस वजह से हम देखते हैं अगले पर वो वहाँ से डिसअपीयर हो चुका था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर सवन पे आ गया, सुखी वो अनसाइन को डिसअपीयर होता देख रहा था। इसके साथ साथ सवन का दुश्मनी थंडर पवेलियन से चल रहा है, अगर उसने एक और फैक्शन को भी ऑफेंड कर दिया तो उसके लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती थी, जिस कारण से सवन ने यहाँ पर कुछ नहीं किया था। अब दूसरी तरफ वांग चैन को डिसअपीयर होता देख नाइलिन हैरान हो चुकी थी, क्योंकि वांग चैन जिसे भी मारना चाहता था वो उसे मार के ही रहता था, लेकिन आज पहली बार वो है वांग चैन सवन को देखकर वहां से एस्केप कर गया। अभी के समय नाइलिन यान को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे सवन से क्या कहना चाहिए। अब दूसरी तरफ सवन उन तीनों पे अपनी नजर डालते हुए उससे कहता है, तो क्या तुम अभी भी रहकर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? अब सवन के शब्द जैसे उनके कानों में जाते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो चुके थे, उन्हें समझ में आ चुका था कि वो उन्हें यहाँ से निकलना ही होगा। उन्हें पहले ऐसा लग रहा था कि वो तीनों मिलकर सवन से लड़ सकते हैं, और जब वांग चैन सामने आया था तो उन्हें पक्का लग रहा था कि ये लड़का जरूर जान से मारा जाएगा, लेकिन यहाँ का सीन तो काफी जल्दी बदल गया और वो भी वांग चैन यहाँ से पतली गली से निकल गया, जिस वजह से वो सवन को ग्रीट करते हुए वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं, क्योंकि वो सभी समझ चुके थे कि सवन की ताकत एक ऐसे लेवल पे जा चुकी है जहाँ से वो उसकी ताकत की इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब वांग चैन की टोली यहाँ से एस्केप कर जाती है तो सवन नाइलिन की तरफ देखने लगता है। अभी के समय उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसे नाइलिन से क्या बात करना चाहिए। दूसरी तरफ जैसे नाइलिन यान उसे देखती है तो वो अपनी नजरों को चुरा लेती है, जिसके बाद वो अपने फॉक्स के अपने पास बुलाते हुए उसे सहलाने लगती है। अब दूसरी तरफ सवन नाइलिन यान की कुछ बोलने की इंतजार कर रहा था ताकि वो कुछ उससे बोले, लेकिन जब नाइलिन यान उससे कुछ नहीं बोलती तो उसे ही बात को शुरू करना पड़ता है। सवन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? अब यह सुनने के बाद नाइलिन यान अपने सिर को नोट कर देती है। फिर सवन उससे कहता है, क्या तुम अभी के समय हेवनली मोनेट पुल पे जा रही हो? अब यह सुनने के बाद नाइलिन यान उससे कहती है, हाँ मैं वहीं पर जा रही हूँ, लेकिन मेरे स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए मैं उन 10 स्पोर्ट में से एक भी स्पोर्ट को हासिल नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे आना ही मेरे लिए ट्रेनिंग है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे प्रॉब्लम है, और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर कुछ ट्रेजर मिल जाए तो शायद ही मैं अपने लेवल को बढ़ा सकूँ। अब उसकी पूरी बात सुनने के बाद सवन क्योंकि वो भी नाइलिन यान के लेवल को साफ साफ देख सकता था, जिस वजह से वो पूरी तरह से श्योर था कि उन 10 स्पोर्ट में से नाइलिन यान एक भी स्पोर्ट को हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे पावरफुल लोग आए हुए हैं जिसकी मदद से नाइलिन यान उनसे नहीं लड़ सकती। फिर सवन वहाँ की चुप्पी को तोड़ते हुए और आसपास देखते हुए नाइलिन यान से कहता है, तुम क्या अकेले आए हो या फिर तुम्हारे साथ कोई आया हुआ है? वो अपनी मुंडी को सवन की तरफ करते हुए उससे कहती है, यहाँ पर मेरी टीचर नहीं आई है। अब यह सुनने के बाद सवन निराश हो चुका था। फिर सवन उससे कहता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिर वो कहाँ पर है, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अब यह सुनने के बाद नाइलिन यान उससे कहती है, टीचर ने उसके लोकेशन के बारे में मुझे मना किया है कि मैं किसी को बताऊं, और खासकर तुम्हें, क्योंकि वो अभी के समय किसी से भी नहीं मिलना चाहती है। अब उसके शब्द को सुनने के बाद सवन स्टैंड रह गया था। वो अपने चेहरे को निराशा से झुकाते हुए नाइलिन यान से कहता है, क्या वो अभी के समय ठीक है? अब यह सुनने के बाद नाइलिन यान उससे कहती है, हाँ टीचर अभी के लिए ठीक है, और अभी के समय वो अपनी कल्टीवेशन में बिजी है। अब ये बात सुनने के बाद सवन के दिल को
थोड़ा सा सुकून मिला था। वो उससे कहता अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अभी के समय मैं भी हेवेनली माउंटेड पुल पे जा रहा हूँ तो इसीलिए अच्छा हुआ कि हमें आगे चलना चाहिए। वो सोवेन से कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो क्या मैं तुम्हारे लिए बर्ड नहीं बनूंगी, क्योंकि नालनियान को भी पता था कि अगर वो सोवेन के साथ जाएगी तो उसके लिए परेशानी खड़ी करेगी और ऊपर से नालनियान की पावर इतनी नहीं है कि वो सोवेन की किसी भी तरह से मदद कर सके। दूसरी तरफ नालन की बातों को सुनने के बाद सोवेन अपने सर को नाम हिलाते हुए उससे कहता है तुम्हें यहाँ के बारे में काफी चीज जानकारी होगी, यहाँ तक कि तुम्हारे पास ये फॉक्स भी है जिसकी मदद से तुम उसे आगे बढ़ने में गाइड करना और इसके साथ साथ में आने वाले खतरों से तुम्हें बचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उन 10 स्पोर्ट में से तुम्हें एक हासिल करवा सकूं। अब कुछ समय सोचने के बाद नालनियान इसके लिए तैयार हो जाती है। अब फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हम दो फिगर को देखते हैं जो की काफी तेज से उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे हेवेनली मॉनिट पुल की तरफ। तभी एक लेडी अपने बाजू में उड़ रहे लड़के से कहती है यहाँ से हेवेनली मॉनिट पुल की रेंज काफी कम है जिस वजह से हम जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब उसकी ये सब कहती है हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे के नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में और भी मजेदार होने वाले हैं क्योंकि अगले नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में काफी लोग सोवेन के खिलाफ हो जाएंगे और उसके साथ लड़ेंगे और इसके आगे के नोवेल स्टोरी जानना है तो आप मेरे अगली वीडियो का इंतजार करें।